चटखारे वाले मज़ेदार दही बड़े, और इसके साथ ही टाइम होगा तो एक रोल सीखेंगे, बहुत ही अच्छा रोल है, तो वो किस तरह से बनेगा। अच्छा जी, दही बड़ों के लिए काम करेंगे, और उसके लिए आपको चाहिए होगा बेसन, 250 ग्राम आपको चाहिए बेसन, और बेसन में डाल देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर सोडा, मीठा सोडा या सोडा बाइकार्ब, ठीक है जी। देखें इतना डालेंगे, ये डाल दिया मैंने, ज़रा सा बिल्कुल और ऐड कर रही हूँ, ये बहुत फास्ट एक्टिंग होता है, देखें सिर्फ इतना सा ऐड किया है। अच्छा ये हो गया, ये बता दूँ मैं आपको कि सोडे का काम बड़ा ही तेज़ी के साथ होता है, और जब ये डाल दिया जाता है किसी चीज़ में तो फिर इसको जैसे ही लिक्विड लगता है, यानी पानी या जो भी लिक्विड हम डालते हैं सोडे के किसी चीज़ में, वो फौरन एक्टिवेट हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। तो इसलिए दही बड़े हैं या पकौड़े हैं, इस किस्म की चीज़ें जो हम बनाते हैं तो हम हाथ के हाथ बना लेते हैं। अच्छा भाई, अब इसमें जा रहे हैं तकरीबन 1.5 चाय के चमचे के बराबर, 2 चाय के चमचे तक भी डाल सकते हैं, इसमें घिसी हुई अदरक, ये देखें मैंने अदरक घिस दी है और इसमें शामिल कर दी है। अच्छा सा मिक्स कर लें पहले इसको, क्योंकि ये ज़रा गीली सी है तो इसका मिक्स होना मुश्किल है, तो पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं। मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये अदरक जो है ना एक जगह पड़ी रह जाएगी। अच्छा, इसके अलावा डाल देंगे 1/4 चाय का चमचा इसमें अजवाइन। अजवाइन डाल देने से दही बड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा, जो मैं बना रही हूँ दही बड़े, ऐसे तो दही बड़े कई तरह के बनते हैं, तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और क्योंकि बेसन है, बेसन बाज़ दफ़ा कुछ लोगों के लिए डाइजेशन में डिले कर देता है ज़रा डाइजेस्ट होने में, तो ये हेल्प करता है। और ये चला जाएगा इसमें 1/4 चाय के चमचे के बराबर सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें आ गई मिक्स, नमक नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि नमक डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, नमक जाएगा इसमें लेटर ऑन जबकि दही बड़ों को तैयार किया जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा पानी, और आज आप टेक्निक सीखेंगे, जो दही बड़े मैं सिखा रही हूँ आपको उसमें टेक्निक इन्वॉल्व है। मिक्स करेंगे अच्छा सा, अच्छा बेसन बड़ा लंपी सा होता है, इसको ज़रा सा टाइम लग जाता है मिक्स होने में, तो जब मिक्स ना हो रहा हो तो ज़रा सा पानी ऐड करें। देखें जी, अब ये गुठलियाँ बनेंगी तो इस स्टेज पे पानी ऐड करें ज़रूर, क्योंकि ये टाइम आ जाएगा कि जब लम्स इसमें से ख़त्म होंगे। और बेसन में अब बेईमानी शुरू हो चुकी है, बेसन में और दूसरी चीज़ें भी शामिल की जा रही हैं, ज़ाहिर है जिसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि बाज़ लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग जो ये कारोबार कर रहे हैं तो उनका तो मकसद ये होता है ना कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा लेना रमज़ान के महीने में, क्योंकि पता है कि बेसन का कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगा, और जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो मेरे समझ में नहीं आता, दाल इतनी होती है कि बयान से बाहर है, लेकिन फिर भी मिलावट कर दी जाती है, बट एनी वे क्या कर सकते हैं। तो उससे पता है क्या होगा, ये मैं बताने का मकसद ये है कि जब उसमें मिलावट की जाएगी तो आपके पकौड़े या दही बड़े इफ़ेक्टेड हो सकते हैं, उनका रिज़ल्ट वो नहीं हो सकता जो सिर्फ चने के बेसन से आता है। अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, तेल यहाँ गर्म करने के लिए रख दूँ भाई मैं। अच्छा, आप देखेंगे कि आज मैं इसको फ्राइंग पैन में बनाऊँगी, हमेशा तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ फ्राइंग पैन में बनाऊंगी, तो उसका एक मकसद होगा बनाने का, तो वो अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों फ्राइंग पैन में बना रही हूँ। अच्छा, सोडा ज़्यादा ना डालें, एक तो ये होता है कि टेस्ट उसका बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, दूसरी कि कलर भी डार्क हो जाता है, तो दोनों ही चीज़ों से बचने के लिए कंट्रोल करते हुए डालेंगे। अच्छा, सोडा बीच में आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो दही बड़े बन रहे हैं उस तरह से नहीं फूल रहे हैं जैसे कि इन्हें फूलना चाहिए, तो फिर आप इसमें सोडा ऐड करेंगे। कैसे वो मैं, अगर हमें ऐसा लगा कि इसमें वो चीज़ अभी नहीं आई है और सोडे की इसमें ज़रूरत है, तो कैसे ऐड होगा वो मैं अभी आपको इसमें बता दूँगी, क्योंकि चीज़ जब बन रही है तो भाई अच्छी बननी चाहिए। और ये दही बड़े बना के आप रख सकते हैं, सिर्फ नहीं दही बड़े, नहीं दही बड़े तो तैयार होने के बाद बनेंगे, ये जो
इसको बड़े क्यों कहते हैं, मेरी ये समझ नहीं। डम्पलिंग्स हैं भाई ये डम्पलिंग्स, और ये डम्पलिंग्स जब बन जाएंगी, इन्हें बनाकर अगर आपके घर में जिस तरह से भी कंजम्पशन होता है उस तरह से बना के आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हाय क्या क्या चीज़ जाएगी फ्रीज़र में, सिर्फ घर के बंदे बाकी बच जाएंगे, बाकी रमज़ान में सब कुछ फ्रीज़र में चला जाएगा। और सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़र में जा चुकी हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर चुके हैं कई चीज़ों की। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से ग्रेजुअली इसको मिक्स कर रही हूँ, कितना फाइन बैटर बनता चला जा रहा है। और ये हमेशा बनता है ग्रेजुअली, अगर आपने एकदम से बनाने की कोशिश की तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगाना पड़ेगा और ये उस तरह से फिर भी नहीं बन पाएगा। स्मूदनेस लाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी देखें, अभी इसकी कंसिस्टेंसी नहीं बनी है, ये कंसिस्टेंसी ऐसी है, तो ये मेरे हिसाब से थिक है। मैं इसको थोड़ा सा और थिन करूँगी, और ये थिन इसी तरह से होती है कि आप इसको ग्रेजुअली इसमें लिक्विड को ऐड करें। अच्छा भाई, यहाँ पर इसमें ये देखें चमचे पर जो लगा होता है वो भी तो एक लंप होता है ना इतना बड़ा, तो उसे भी ब्रेक करना ज़रूरी है। जब तक ये तेल गर्म होगा तो आई गेस कि ये मिक्स हो चुका होगा। अच्छा, हम ट्रायल के लिए डालेंगे एक, और फिर देख लेंगे कि भाई सोडा जो है वो किस हद तक इसमें काम कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ जो बड़े ही फ़ायदे की है, और वो ये है रिगार्डिंग पेशेंट्स के, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है और गठिया का और गाउट है और या इसी किस्म के जो जॉइंट्स में पेन रहता है, वो ज़रा कंट्रोल करके खाएं, क्योंकि सोडा जो है वो नुकसान देता है। सोडे वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो उन लोगों को नुकसान देंगी। अच्छा, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया क्योंकि मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड टेम्परेचर इसमें बन चुका है, और अब मैं इसको फ्राई करना शुरू करती हूँ। लेकिन एंड आई गेस कि ये कंसिस्टेंसी भी अभी मुझे लगता है कि थिक है, लेकिन बट एनीवे चेक करेंगे। अच्छा, मैं किस तरह की चीज़ से बना रही हूँ, इस तरह से मैंने एक लेडल ले लिया है और इसमें मैं जो मुझे साइज़ चाहिए उस हिसाब से मैंने इसको बनाना है। तेल ज़रा गर्म है बट मैं ट्राई करूँगी। बड़ा ही अच्छा टेम्परेचर बना हुआ है भाई इस वक्त तो ये, एंड आई गेस के इसमें सोडा बहुत करेक्ट है, इससे ज़्यादा 250 ग्राम में जो 1/4 टीस्पून मैंने आपको बताया है उससे ज़्यादा ना डालें। तो चलिए जी, ट्रायल जो हमने किया वो तो रहा सक्सेसफुल बिल्कुल ही, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि आपको लगता है हाँ मैंने क्यों कहा था कि सोडा ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, सोडा ऐड करने की ज़रूरत आपको इसलिए पड़ेगी कि मिलावट वाला बेसन जब मिलेगा तो क्या करेंगे, बिला वजह पकौड़े दही बड़े फ्लॉप हो जाएंगे, परेशान होते रहेंगे कि हाय क्या करें। तो उसके लिए एक काम कीजिएगा, फट से बता देती हूँ क्योंकि अभी दूसरे काम भी करने, तो सिंपल ये करेंगे, थोड़ा सा सोडा लेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं डालिएगा, डायरेक्ट डालेंगे तो इसकी मिक्सिंग में मुश्किल हो जाएगी, और क्योंकि सोडे में भी गुठलियाँ बन जाती हैं और बनी ही रहती हैं, इनको हाथ से तोड़ना पड़ता है। देखें जी, थोड़ा सा फिर लेंगे सोडा इस तरह से, और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, इसको बिल्कुल ज़रा सा इसमें पानी ऐड करें, और पानी ऐड करने के बाद इसके देख रहे हैं आप लम्स टूट नहीं रहे हैं, अच्छा सा डिसॉल्व करें, और जब ये अच्छा सा डिसॉल्व हो जाए तो देन आप इसमें इसको ऐड करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने डायरेक्ट डाला तो ऐसी गुठली रहेगी और इसका फंक्शन भी नहीं हो पाएगा, और जो भी इसको करना है जो सोडे का फंक्शन है वो फंक्शन धरा का धरा रह जाएगा। लिक्विड उसमें ऐड करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करने के बाद देन आप उसको बैटर में ऐड कर देंगे। अच्छा भाई, ये जो हमारा ट्रायल का था बड़ा ही अच्छा बन गया है, एक्चुअली तो इसको रेज़ जिस तरह होना था वो रेज़ हो गया है, और इसकी एक्चुअली शैलो फ्राइंग हो रही है, हम इसकी डीप फ्राइंग नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैं निकाल लूँगी, हो गया बस। अच्छा, हमें दही बड़े जो बन रहे हैं ये कलर चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट कलर आ गया है, इसको ब्राउन कलर नहीं देना है। अब मैं बकिया जो हैं अब फ्राई कर लूँगी। चलिए भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं और ये डाल देती हूँ मैं। अच्छा, डिपेंड क्या आप क्या साइज़ चाहते हैं, चलो कुछ बड़े बनाते हैं कुछ छोटे बनाते हैं, लेकिन जैसे कि आमतौर पे सोचा जाता है कि बड़े कहा जाता है, बड़े क्यों कहते हैं, मैंने जैसे अभी कहा मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, क्या फूले हुए उतर रहे हैं। अच्छा, मैं एक सजेशन दूंगी वैसे शॉर्टकट मारने के लिए, और वो सजेशन ये दूंगी
कि बड़े बड़े बना डालें, दो दही बड़े खाएंगे पेट भर जाएगा, आपकी जान छूटेगी कम टाइम में, छोटे को तलेंगे तो भी उतना टाइम है, बड़े को तलेंगे तो भी उतना टाइम है, बड़े बड़े बनाएं और अपनी जान छुड़ाएं, क्योंकि रमज़ान में इतना सारा काम करना आसान नहीं होता, फिर कि रोज़ा भी होता है, स्ट्रेंथ बहुत सारे लोगों में कम हो जाती है और काम करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी कम हो जाती है बहुत सारे लोगों में, तो इसलिए ये शॉर्टकट दे रही हूँ। अच्छा, ये जब बन गए हैं ना, इनको बिल्कुल ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद पॉलीथीन बैग में डालें या कंटेनर है कोई आपके पास, कंटेनर्स तो इतने बड़े बड़े खैर नहीं होते हैं, तो उस कंटेनर में इसको डालें और फ्रीज़र में रख दें, फिर जब आपको निकालने की ज़रूरत हो तो तब, अब जब मैं स्टेप करूँगी फिर वो आप स्टेप करेंगे और फिर आप अपने यहाँ दही बड़े तैयार करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने रोल भी बना के रखे हुए हैं, ये रोल्स अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, आई गेस कि मैं बता पाऊँगी क्योंकि टाइम देख लेती हूँ। चलिए जी, आई थिंक इतना कर, मैं बच गया। वेरी हॉट ऑयल, और ये ऑयल मैं इसी में डाल देती हूँ क्योंकि हमने फ्राइंग ही तो करनी है, यहाँ भी फ्राई हो रहा है वहाँ भी फ्राई हो रहा है, तो ये आ गया साइड पे। रोल को ऐसा करती हूँ फ्राई करने रख देती हूँ, उसके बाद इसका मेथड आपको बताती हूँ कि इसके लिए क्या करना है। ये देख लें, रोल जैसे रोल बनते हैं उसी तरह से बनाए, बट मेन चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ होती है उसकी स्टफिंग, उसको स्टफ़ कैसे किया गया है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल ही अलग किस्म के रोल बन रहे हैं और ये चिकन टिक्का वेजिटेबल रोल, चिकन टिक्का बनाना सिखाया हुआ है, लिहाजा चिकन टिक्के की कोई बात नहीं हो रही, आप रेसिपी निकालें मेरी और चिकन टिक्का बना लें, और अगर कुछ ज़्यादा जल्दी है तो फिर आपने ये करना है, अभी रश हो गया है इसमें तो इतना रश नहीं करना है। अच्छा जी, आपने चिकन टिक्का निकालना है और बनाना है या बाज़ार से ले लें चिकन टिक्का, मैं बाज़ार का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्लियर बात करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बनाने का, आपके पास रेसिपी है और आप चिकन टिक्का बना लें, और उसके अलावा और क्या चीज़ जाएगी इसमें, इसमें जाने वाली हैं ये सब्ज़ियाँ, जिसमें के बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है और जनाब हरी प्याज है और कुछ पुदीना, पुदीना ज़रा सा मैं चॉप कर लूँ, लेमन जूस डालूँगी इसमें, कोई मेजरमेंट नहीं है, अपने टेस्ट के हिसाब से इसे बना डालें। पुदीने को ज़रा सा चॉप कर लेंगे, बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है पुदीना इन सारी चीज़ों में। अच्छा, इसके अलावा जाएगा इसमें लेमन जूस, चिकन टिक्का जिसे कि मैंने श्रेड कर लिया ये रखा हुआ है, बंद गोभी, अरेंज कर लें अपने आप से, मैं प्रेफर करती हूँ कि सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, चिकन टिक्का इटसेल्फ काफ़ी ओवरपावरिंग होता है, तो इन सारी चीज़ों के साथ मिलने के बाद बहुत ही अच्छा सा टेस्ट बना देगा। शिमला मिर्च है थोड़ी सी, गाजर है, अच्छा इसके अलावा हरी प्याज है और पुदीना, हरी प्याज के दोनों पार्ट मैंने लिए हुए हैं और ये सब चीज़ें इसमें शामिल कर दी। कोई कुकिंग नहीं होगी इसकी, कुछ नहीं होगा, आप देखेंगे कि मैं रॉ वेजिटेबल के साथ किस तरह से इसको बनाऊँगी और बहुत ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि वेजिटेबल की कुकिंग तो यहाँ हो जाएगी ना अभी जब हम इसे फ्राई करेंगे, तो हाँ सिर्फ बात यह है कि इसको इंटैक्ट कैसे करना है और ये बंद अच्छा होना चाहिए, अगर बंद अच्छा नहीं होगा तो फिर सब्ज़ियों में जो मॉइस्चर है वो निकल आएगा और फिर सारा तेल जो है ना वो छींटे मारेगा, ख़राब हो जाएगा, तो ये होगा इसमें। अच्छा भाई, अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ना डालें चिकन टिक्के में ऑलरेडी होता है, और रोल में मैं आपको बता दूं क्योंकि मांडा पट्टी इस्तेमाल कर रही हूं तो मांडा पट्टी बड़ी ही नमकीन होती है, सॉल्ट हाथ रोक के रखें तो आप यकीन जाने अच्छा टेस्ट मिलेगा आपको, लेकिन अगर सॉल्ट बढ़ा देते हैं बाज़ार में बहुत बुरे रोल मिलते हैं। अच्छा, गर्म मसाला डाल रही हूं थोड़ा सा, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूं लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च ये आ गई है, ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो अपने हिसाब से मिर्चों को एडजस्ट कीजिए, और इन सारी चीज़ों को अब मैं मिक्स करूँगी, और मिक्स कर लेने के बाद लेमन जूस जाना है जी, लेमन जूस, इधर रोल भी हो गए हैं, तेज़ी से बनने वाली चीज़ें हैं रोल्स, आप सुबह से बना के रख सकते हैं, एक दिन पहले से बना के ना रखें, इस वजह से कि रोल अगर आप बना के फ्रिज में रखेंगे तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है और फिर वो फ्राई करने में प्रॉब्लम करेंगे। तो जनाब ये आ गया है लेमन, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, लेमन जो है एक तो सारी चीज़ों को मिक्स करने में बड़ी हेल्प करेगा, उसके अलावा इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, सॉल्ट भी मिक्स हो जाएगा, सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। चलिए भाई, ये हो गया, और अब मैं ज़रा
एक रोल एक बना के दिखा रही हूँ क्योंकि फिर हमने दही बड़े असेंबल करने हैं और ये अब निकालने का टाइम आ गया। अच्छा, रोल को कभी बहुत डार्क ना करें क्योंकि डार्क हो जाते हैं तो फिर उसका वो मज़ा नहीं रहता है। लाइट कलर में निकालें, लाइट कलर के रोल्स सबसे अच्छे रहते हैं। इस किस्म की चीज़ें ऑल टाइम फेवरेट होती हैं, ये आप रमज़ान में, ईद पे, किसी और टाइम पे बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन ऐसी रेसिपी जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ, यूजुअली इस किस्म की स्टफिंग की नहीं मिलती, बाज़ार में भी अवेलेबल नहीं होती है। तो आपके लिए क्रिएट की बहुत ही अच्छी सी स्टफिंग। यूजुअली क्या होता है, वो चिकन डाल देते हैं उसमें, एक चिकन में एक मन उसमें डाल देते हैं पिसी हुई काली मिर्चें और उसमें दो मन नमक होता है, इस तरह से मिलती है बाज़ार में। अच्छा भाई, अच्छा इसको मांडा को हमेशा कवर करके रखें, ये तो सभी को मालूम है। अब मैं क्या बताऊँ, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, सभी को पता है। और यहाँ पर मैंने ग्लू तैयार किया हुआ है और ये अच्छा एक दूसरे के ऊपर रखकर भी बनाने से घर में हैंडल नहीं हो पाती। यूजुअली हम लोग जब कमर्शियली काम करते हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर रख के बना लेते हैं क्योंकि वो हैंडलिंग आती है। लेकिन जो लोग परफेक्ट हैं, घर में बनाने वाले भी बहुत परफेक्ट हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि एक के ऊपर एक मांडा रख के तो रोल बना लें। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ये सजेशन है कि वो अलग अलग रखें और उसके बाद ही इसको रोल करें। अच्छा देख लें कटिंग कैसी की हुई है मैंने, आपको जो आसानी हो वो कटिंग करें, चॉप कर लें। मैंने लंबी वाली की हुई, ख़तरनाक वाली कटिंग है ये बता रही हूँ आपको मैं, इससे रोल फट सकता है। लेकिन अगर आपके पास परफेक्शन है तो फिर आप इससे इसी तरह से बनाएंगे और इस तरह से कटिंग में बने हुए रोल ज़्यादा अच्छे होते हैं, एक्चुअली वो परफेक्शन के साथ होते हैं। अच्छा कभी ऐसा हो ना, देखो मेरा जो मांडा है ना वो फटा हुआ है, वो वैसे ही फटा हुआ है, यानी आया ही फटा हुआ है, तो हम एक और रोल के अंदर, सॉरी मांडा के अंदर इसको, जो हमारी एक्चुअली दिस इज़ पेस्ट्री, ये जो पेस्ट्री है इसके अंदर इसको रोल कर देंगे तो ये सेफ़ हो जाएगा। और यूजुअली यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ लगाने से परफेक्शन नहीं आती है। देखा जी आपने किस तरह से मैंने इसे रोल कर दिया, किसी शेप का भी हो तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। और बनाने के बाद इसको कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर फ्रिज में रख दें या बाहर रहने दें, जैसे भी मौसम सही है तो बाहर रहने दें। उससे ये होगा कि जो ग्लू हमने लगाया है, मैदे की जो लई बनाई थी वो लगाइए, तो उससे ये इंटैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा और फ्राई होने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो मांडा की ट्रिमिंग्स होती हैं उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, इनको निकाल लेंगे तो ये भी हमारे काम आ जाएंगी। अच्छा अब क्या करेंगे, ये दही बड़े हमने जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे या आपने फ्रीज़र से निकाले तो आप क्या करेंगे, पानी ठंडा ले लें, कोई ज़रूरी नहीं कि ये गर्म पानी में डाले जाएंगे, और इस तरह से पानी लेंगे और पानी में आपने सॉल्ट नमक डालेंगे, नमक डाल दें थोड़ा सा कि दही बड़ों में ये अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। अच्छा उसके अलावा थोड़ी चीनी डालेंगे, ये मेरी बहुत ही अच्छी सी हिंट है जो मैं अपने दही बड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ और ये बरसों से सिखाती भी हूँ आपको कि आप इसमें थोड़ा नमक थोड़ी चीनी डालें, बहुत ही अच्छा सा इसे मिक्स करें। जब ये सारा मिक्स हो जाए तो मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने इसके अंदर ये जो आपने डम्पलिंग्स फ्राई की हैं इनको आप डाल देंगे, और डाल देने के बाद पड़ा रहने दीजिए एक आध घंटे तक, इनको सोख होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर आप इसको, अब फिर ये दही बड़े बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। चलिए जी इसको भी फारिग करूं और जल्दी से अब दही बड़े बनाएंगे। अच्छा इसके अंदर आपने ये डाल दिए, डिसॉल्व कर लिया पूरा और ये डाल दिए, और डाल देने के बाद इनको पड़ा रहने दें, ठीक है, ये नरम हो जाएंगे और उसके बाद फिर होगा काम। और यहाँ मेरे पास दही भी है, ओह बहुत सारे बने हुए हैं, इसको मैं हटा दूँ, ये तो देख लिया होगा ना आप लोगों ने, तो इसको भीगने देंगे, भीगने के बाद ये नीचे बैठ जाएंगे, तो जब ये नीचे बैठ जाएंगे तो ज़ाहिर अपने अंदर पानी ले लेंगे। अच्छा इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर पानी ले लें तो बहुत ना निचोड़ें क्योंकि उसे बहुत दबा दिया जाता है, एक तो दबा देने से ये होता है कि टूट जाते हैं, उसके अलावा ये होता है कि उसका मॉइस्चर निकल जाता है, ज़्यादातर निकल जाता है। थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं इसमें चीनी, अरे मुझे तो पैन चाहिए, अदान प्लीज़ मुझे पैन दे दो जल्दी से, मुझे बघार तैयार करना है इसका। अच्छा इसमें शुगर डाल दी थोड़ी सी, और बहुत हल्की सी आपको मिठास का टच आना चाहिए, मीठे ना लगे। इसमें डालेंगे आप हसबे ज़ायका नमक, सभी को मालूम है कि दही बड़ों में नमक कैसा होता है,
तो वो नमक डाल देंगे आप और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है कि आप इस स्टेज पर इसमें जो मसाले हैं दही बड़े के, जो मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बनाने सिखाए, मेरे ख्याल किस दिन, तीन दिन चार दिन पहले तो सिखाएं, तो वो डाल देंगे आप, और डालना चाहें तो, अदरवाइज़ तो ये है कि आप साथ में रखें, जैसे मैंने सजेशन दी हुई है, टेबल पर रखें और जिसको जैसे डालना है वो अपनी मर्ज़ी से डाल लें। अच्छा, यहाँ पर ये पैन रख देती हूँ क्योंकि बघार वाले बन रहे हैं, तो बघार तैयार होगा अब इसका। अच्छा, मैं एज इट इज़ डालूँगी दही बड़ों को, मैं ज़्यादा देर नहीं हुई है इसे भीगे में, भीग जाए तो अच्छा है, एंड आई थिंक मैं इनको भी यूज़ करती हूँ इसमें, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, बहुत ना निचोड़े जैसे मैंने आपको कहा है, और जिस बर्तन में भी आप बना रहे हैं उसमें इसको अरेंज कर लीजिए, पूरा भीगा नहीं है, बट एनीवे दही इसमें अच्छा खासा डालें, क्योंकि दही भी इसको नरम करने में बड़ी ही मदद करता है। अच्छा भाई, अब जो है दही चला जाएगा इसमें, नमक अमक चख, ओ रोज़े में कैसे चखेंगे, ये पहले बना के रख सकते हैं, हो सके इतने जान हैं और कुछ टाइम आपको मिल गया है, इफ्तार के बाद बना के रख दें, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट कर लें, अच्छा है नहीं तो कोई मसला नहीं है, चाट जो बन रही होती है उसमें यूजुअली टेबल पर ही इसकी सेटिंग होती है, मैं ये कहूँगी जब आप दुकान पर जाते हैं तो आप कहते हैं ना यार थोड़ी मिर्चें तो डालो, अरे इसमें चटनी कम है थोड़ी चटनी तो डालो, कुटी मिर्चें डालो, ये सारी आवाज़ें आ रही होती हैं, तो मज़ा जब ही है कि जब इस तरह से चीज़ें बन रही होती हैं और आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब मैं बघार इस पर थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि इसमें गुंजाइश नहीं है और कुछ ज़्यादा सामान हो गया। अच्छा, पापड़ी के तौर पर ये जो इसकी ट्रिमिंग्स हैं वो मैंने दे दी हैं, इसके अलावा ये मसाले हैं इसके, जिसमें ये चाट मसाला, सॉरी दही बड़ों का मसाला है, ये है चाट मसाला और ये दोनों हैं दही बड़े के मसाले, सो ये मोटा कुटावा, ये ब्लैक वाला और ये चाट मसाला। ठीक है भाई, ये चीज़ें तो आ गई हैं जो कि आप मसाले इसमें डाल के मिक्स करेंगे। बता देती हूँ आपको, ये मसाला बहुत ज़रूरी है जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है, उसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है दही बड़े में। ठीक है, ये है चाट मसाला, दो मैंने मसाले बताए आपको दही बड़े में डालने वाले, तो ये है चाट मसाला, और इसके बाद जब यहाँ पे खाए जाएंगे ये सारे लोग अपने आप से ही इसको एडजस्ट करेंगे। अब बारी आ जाती है, ये रोल भी रख दूँ ज़रा। अच्छा, रोल अगर बड़े साइज़ के तो उसे हाफ़ कर लें और फिर आप इसको सर्व करें। कुकिंग ऑयल हमें बस थोड़ा सा चाहिए, तेल ऑलरेडी गर्म है, इसी तेल को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसी तेल को इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसमें टेस्ट बनेगा क्योंकि उसमें दही बड़ों की खुशबू है। अच्छा जी, जाएंगी सबसे पहले इसमें ये मिर्चें, मिर्चों को ब्लैक करेंगे, चलेंगे मिर्चें ब्लैक होंगी, और उसके बाद रोल को थोड़ा कलर देने को सोच रही हूँ, मैंने रखा था यहाँ पे, ओके फ्रिज तक जाऊँगी, कलर ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, रोल हैं, समोसे हैं, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, अगरचे के आप इसको थोड़े से सैलेड के साथ सर्व करते हैं तो बहुत ही आइडियल है, मेरे हिसाब से बहुत ही आइडियल है, क्योंकि मैं प्रिफ़र करती हूँ कि इन चीज़ों को इस तरह से सर्व किया जाए और ख़ूबसूरत भी हो जाता है, इसके अलावा खाने में डिलिशियस होता है, तो ये मेरी प्रेफरेंस है एंड आई गेस कि ये बहुत करेक्ट है। देखें जी, ब्लैक होनी शुरू हो गई है, जब तक ये ब्लैक नहीं होगी बघार का मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ ना, दाल बघारने में भी कहती हूँ, कुछ दालें ऐसी हैं कि जिनमें के अगरचे के आपने मिर्चों को ब्लैक किया होगा तो यकीन जाने दाल का टेस्ट ही कुछ और बनता है, बिल्कुल। एक्चुअली ये मिर्च जो है, मैं आपको बताऊँ, ये मिर्च खाई जा सकती है, इसमें नटी फ्लेवर आ गया है
तो इस वजह से अच्छा भाई अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, जस्ट अ पिंच ऑफ, जिसमें अगर 5-6 दाने आएंगे सिर्फ मेथी दाने के, ये डाल दिए मैंने। इसके स्प्लिटर होने से पहले पहले 1/4 टीस्पून डाल दें राई, और ये जी ज़ीरा, सारा मसाला काला कर दें। एक और दही बड़े सिखाऊंगी, वो मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाए हैं और वो बनते हैं कीमे से, बहुत ही मेरी ख़ानदानी रेसिपी है, बड़ी हिट रेसिपी है, लोगों में बड़ी ही पसंद की गई है वो हमेशा से, तो इंशाल्लाह वो सिखाऊंगी मैं आपको। ओहो क्या लाजवाब खुशबू आई है, बस भाई अब इसमें गुंजाइश नहीं है तो इसलिए मैं इसे सेव करूँगी। एंड आई गेस, अरे एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास दही बच गया ना दही में डाल दें, मैं यही डाल रही हूँ भाई, ठीक है। हाँ ज़बरदस्त, क्योंकि अब तो वहाँ पे तो मेरी प्रेजेंटेशन हो गई इसलिए मैं नहीं लेके आ रही हूँ, लाके दिखाती हूँ आपको मैं कि किस तरह से ये क्या प्यारा दही तैयार हुआ है। ये देखें जी, ये भी तैयार, पापड़ी डाल के खाएं, मल्टीपर्पज़ बिल्कुल। ये जो दही मैंने बनाया है इसमें नमक है, इसी में आप डालें ये सारे मसाले, और ये सारे मसाले डालने के बाद बघार लगा दें। देखें जी कैसे फटफट आपको 2-3 चीज़ें एकदम से पता चल गई हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है तो इस वजह से इसको मैं नहीं छेड़ा छाड़ी करूँगी, इसमें आप चाहें तो आप इसमें ये सारे मसाले ऐड कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा दही जो है चाट के लिए आपके पास तैयार हो जाएगा, तो अगर कोई एक्स्ट्रा डालना चाहे तो वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपको और बताती हूँ कि इसी के साथ आप खाना भी खा सकते हैं, अगर आप रोटी या चावल खाना चाहें तो आप इस रायते के साथ खा सकते हैं। एक प्याले में 2 डम्पलिंग्स आपने डाले यानी दही बड़े डाले और एक आध रोल खाया, मैं समझती हूँ हो गया खाना। तो चलें खैर अपने अपने सेटिस्फेक्शन की बात है, किसी को कैसे होता है किसी को कैसे होता है। अच्छा यहाँ पर मेल्स हैं, मैं उनके नाम सिर्फ पढ़ देती हूँ, कंटेंट नहीं पढ़ा जा सकेगा। अच्छा गुलचारा नदीम है फ्रॉम फैसला लिखा हुआ इन्होंने, ये फैसला कौन सी जगह मुझे मालूम नहीं है। और पारस पठान है जामशोरों से, परवीन है यूएई से, यास्मीन है इंडियन है बहरीन में रहती हैं, अपनी रिक्वेस्ट लिखी है तो इंशाल्लाह। और जाहिदा हैं ह्यूस्टन से, मदीहा हैं पेरिस से, रफ़िया खान कहाँ से हैं पता नहीं है, और महरीन हैं ह्यूस्टन टेक्सास से। तो इंशाल्लाह आप सभी लोगों की फरमाइश है और जो कुछ लिखा है वो सभी कुछ पूरा होगा। तो चलें जी बहुत प्यारी रेसिपीज़ आप सभी लोगों ने सीखी है, तो अब आप सभी लोग अभी इसकी बारी आ जाएगी कि आप देखेंगे कि किस तरह से ये रेसिपीज़ बनी है, और बनी है तो वो तो आप देख ही लिया है, लेकिन अब ये तैयार कैसे हो गई है इसकी शक्ल आप लोगों को नज़र आएगी अभी। तो अगर किसी की रेसिपी रह गई है तो स्ट्राइप चल रही है वो देख सकते हैं, इसके अलावा अभी आ जाएगा रेसिपी कार्ड। तो चलें जी फट से देखें जो अभी रेसिपी बनी है उसका मुखड़ा देखें। बहुत ही प्यारी रेसिपी आप सभी लोगों ने सीखी है मेरे प्रोग्राम में। हाँ जी रोल तो आपको बता ही दिया है मैंने, उसमें चिकन टिक्का और मिक्स वेजिटेबल डालें, थोड़ा गरम मसाला डालें, उसमें लाल मिर्च डालें, थोड़ा सॉल्ट डालें, लेमन जूस एंड मिंट डाल के सब चीज़ों को मिक्स करें और रोल बना डालें, फ्राई कर लें, बना के रख लें, चंद घंटे पहले बना लें, इफ्तार आसान हो जाएगा आपका बहुत ही और टाइम बचेगा। थोड़ा थोड़ा काम करके रख लिया करें तो उससे ये होता है कि इफ्तार के टाइम पर हैसल नहीं होता, भाग दौड़ नहीं होती और आपका रोज़ा फ्रिज के पास नहीं खुलता। तो चलें जी आपसे मिलने वाली हूँ मैं कल, क्या बनेगा बहुत ही प्यारी सी चीज़ आप सीखने वाले हैं मुझसे, अपने इफ्तार के लिए अपने खाने के लिए सीखेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी कल, अल्लाह हाफिज़।